Hi guys, welcome or welcome back to my warriors playlist. Today is day 7 और आज मैं तुम्हें importance of physics और physics attempting strategy बताने वाली हूँ. So for those जो मेरे चैनल पे नए हो, मैं तुम्हें नीट के लिए mentally तुम्हारे ब्रेन को गाइड करती हूँ और तुम्हें mentally एग्जाम के लिए प्रिपेयर करती हूँ. इधर मैं कोई भी strategies प्रोवाइड नहीं करती हूँ, कोई भी मोटिवेशनल वीडियोज नहीं होते हैं, सब रियलिस्टिक होता है और रियल चीजें जो तुम फेस करते हो और उसके एकदम जो होता है ना कि एकदम सटीक सोल्यूशन मैं देती हूँ. सो अगर तुम ऐसे बीच से आके देख रहे हो तो तुम्हें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है. तुम डे वन से देखोगे तुम्हारे अंदर बहुत इम्प्रूवमेंट आएगा क्योंकि बहुत बच्चों के अंदर आया है. अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया कि कितने लोग वो रात वाला एफर्मेशन और सुबह वाला एफर्मेशन सुनते हैं, जरा कमेंट में नीचे बताना, तो मुझे जानना है. अच्छा, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि कितने बच्चों के दिमाग में ये आया कि और डॉक्टर बनने के लिए तो बायो पढ़ना ज़रूरी होता, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री क्यों आता? केमिस्ट्री तो तब भी झेल लेते हैं अपन, यार फिजिक्स क्यों आता है यार नीट में? अगर तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन नहीं आया बेटा, तुम नीट और मेडिकल स्टूडेंट फिर नहीं हो, क्योंकि सबके दिमाग में आता है और मेरे दिमाग में भी आता था. तो मैं पर्सनली अपने आप को कैसे समझाती थी, मैं वही चीज़ बताने वाली हूँ कि मैं तो किसी से आके पूछा नहीं था और किसी ने ऐसे जवाब नहीं दिया था. तो मेरा जब फिजिक्स करने का मन नहीं करता था और मेरे को लगता था फिजिक्स क्यों है नीट में, उसको नहीं होना चाहिए क्योंकि कोई इंपॉर्टेंस नहीं, मेरे को ऐसा लगता था, सबको ऐसा लगता होगा. फिर मैं अपने आप को समझाती थी, जब ढेर सारे पेशेंट्स आएंगे और तुम्हें सिम्टम्स बताएंगे कि मुझे ये सिम्टम था, ये हुआ था, वो हुआ था, तो तुम उसको कोरिलेट करके एक कंक्लूजन पे कैसे आओगे, चलो बताओ. उसके लिए तुम्हारे ब्रेन को डेवलप करना पड़ेगा. और फिजिक्स में क्या करना होता है, तुम्हें क्वेश्चन दिया रहता है, ठीक है, तुम्हें सोचना होता है कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्या ट्रिक से ये आएगा, उससे वो वैल्यू आएगा, क्या चीज़ पूछा है, क्या चीज़ निकालना है. वही तो एक डॉक्टर और पेशेंट के बीच में भी तो वही रिलेशन होता है, एक पेशेंट एक क्वेश्चन की तरह है और तुम डॉक्टर हो एक नीट एस्पिरेंट की तरह. तुम्हें वो पेशेंट अपने सारे प्रॉब्लम्स बताएगा और तुम्हें सब चीज़ को रिलेट करके एक कंक्लूजन पे आना है. तो ऐसे समझो फिजिक्स को, ठीक है. सो ये चीज़ अब क्लियर हो जाना चाहिए कि फिजिक्स डॉक्टर बनने के लिए बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि वो इस चीज़ को डेवलप करने में हेल्प करता है. ओके, तो तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ फिजिक्स मेडिकल फील्ड का पार्ट है, ठीक है. अगर कोई भी चीज़ तुम्हें पसंद नहीं है और तुम उसको एक्सेप्ट कर लेते हो कि नहीं यार जो है ठीक है, तो तुम्हारा इंटरेस्ट धीरे 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 उसमें बढ़ने लगेगा. अब मैंने ये तरीका आजमाया था अपने आप को समझाने के लिए कि देख यार इशू फिजिक्स की ज़रूरत होती है, और तू ये अब हिम्मत नहीं करेगी सोचने का कि नीट में फिजिक्स क्यों आता है, मुझे नहीं पढ़ना. ये मतलब नेगेटिव सिग्नल नहीं देना. अगर तुमने एक बारी इधर सिग्नल दे दिया यार क्यों आता है यार मुझे नहीं करना, तो ये फिर तुमको सपोर्ट नहीं करेगा, ये तुम्हें 100% नहीं देने देगा क्योंकि इसको पता चल गया कि तुम्हें ये चीज़ नहीं आता है. जो मतलब देखो, अगर इंस्टाग्राम व्हाट्सएप की बात करो तो तुम्हें उसमें इंटरेस्ट आता है ना, तो ये सपोर्ट करता है, हाँ चल 2 मिनट और. जब तुम अगर फिजिक्स को बोल दिया अरे मेरे अच्छा नहीं लगता, तो ये कहेगा यार सच में नहीं अच्छा लगता, हटाओ. तो फिर तुम्हें एक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, दो क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा, तुम सोचोगे ना यार ये फिजिक्स ना मेरे से हो ही नहीं रहा है. जैसे तुमने सोचा वो फिजिक्स तुमसे नहीं हो रहा है, तो और तुम्हारा इंटरेस्ट लॉस हो जाएगा उसमें. और तुम्हें भी पता है जो भी बच्चों का सिलेक्शन रुकता है वो फिजिक्स के वजह से ही रुकता है, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री तो लगभग सबकी ही अच्छी होती है और उनका सिलेक्शन रुकता है फिजिक्स की वजह से. वॉट डज इट सिग्निफाई? सिग्निफाइज कि वो बच्चा मेंटली डेवलप नहीं है डॉक्टर बनने के लिए, समझ रहे हो तुम? तो मुझे कभी बहुत ही हार्ड अगर फिजिक्स का क्वेश्चन लगता था जो मैं को रिलेट कर पाती थी कि यार इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, क्या वैल्यू कहाँ से आएगी, तो मैं सोचती थी तनीषा देख आई एम अ डॉक्टर एंड दिस क्वेश्चन इज अ पेशेंट और उसको बहुत ही भयंकर डिजीज हो रखा है, अगर इसका मैं सोल्यूशन नहीं निकालूंगी और इसको प्रेस्क्रिप्शन में दवा नहीं लिखूंगी, दवा मतलब सोल्यूशन, ठीक है, कि ये कैसे सॉल्व होगा, तो ये पेशेंट मर जाएगा, ठीक है. तो अगर तुम्हें सच में डॉक्टर बनने का ऐसा फीलिंग है, अंदर से जज्बा है कि डॉक्टर बनना है, तो हर चीज़ को उस पैटर्न से सोचा करो कि यार ये क्वेश्चन पेशेंट है, मैं डॉक्टर हूँ और मुझे इसका इलाज करना है, नहीं तो ये पेशेंट मर जाएगा. फिर मैं ऐसे डॉक्टर वाले जब फॉर्म में आ जाती थी, अपने आप को ला देती थी, तो मैं क्वेश्चन 2-4-5 बार सोचने में कर ही देती थी. देखो एक बार सॉल्व नहीं होगा, दो बार सॉल्व नहीं होगा, तो तुमको पैनिक नहीं करना है, तुमको उसको देखते रहना है, बार बार क्वेश्चन को रीड करो, वो
पेन रख रख के कि कोई वर्ड छूट तो नहीं रहा है, कोई वैल्यू छूट नहीं रहा है, कोई को कोई ऑफ या बाय को हम कुछ गलत तरीके से तो नहीं पढ़ रहे, तो हमेशा पॉइंट रख रख के पढ़ोगे फिजिक्स और केमिस्ट्री के फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन में, तो तुम्हें नेगेटिव होने का बहुत कम चांसेस रहेगा, ठीक है। और एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि हाउ टू स्टार्ट फिजिक्स फ्रॉम जीरो, इधर मैं बना के रखा है वीडियो, बहुत ही बेहतरीन वीडियो है, देखा है तब भी देख लो, नहीं देखा है तब भी देख लो, ठीक है। वो वीडियो मैं इस प्लेलिस्ट में भी ऐड कर दूंगी ताकि तुम्हारा एक ना सीक्वेंस बन जाए कि हाँ इस वीडियो के बाद ये, इस वीडियो के बाद ये देखना है, ठीक है। इस वीडियो के बाद तुम वो जाके देखोगे, उसमें मैंने पॉजिटिव एफर्मेशन सिखाया है तुमको, जिससे तुम्हारा फिजिक्स का जो डर है ना वो खत्म हो जाएगा। पॉजिटिव एफर्मेशन बहुत ही जरूरी होता है। लाइक मैं आजकल बहुत लेजी हूँ, मैं वर्कआउट बिल्कुल नहीं करती हूँ, मैं वैसी लड़की हूँ जो बिना खाना खाए पतली होना चाहती है, मतलब वर्कआउट नहीं करना चाहती है, तो मैं पॉजिटिव एफर्मेशन करती हूँ कि नहीं यार वर्कआउट अच्छा लगता है मुझे, भले मुझे अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, मेरे को साइकिलिंग अच्छी लगती है, मैं साइकिल चलाने जाती हूँ रोज सुबह, लाइक 5 किलोमीटर जाना 5 किलोमीटर आना, मैं रास्ते पर अपने आप को मोटिवेट करती हूँ, यार आ गया देख आ गया, जहाँ तक मेरे को जाना होता है बस बोलती हूँ देख आ गया, इशू कर लेगी यार तू चल ना यार पैर दुखता है, लेकिन ठीक है यार तेरे को पतला होना है कि नहीं, तो हमेशा अपने आप को मोटिवेट करते रहा करो। सड़क पर लोग मुझे देखते कि खुद से ही बात कर रही है, तो तुम कैसे करोगे यार इतना आसान फिजिक्स का क्वेश्चन मुझे नहीं आता होगा, मुझे तो डॉक्टर बनना है, ये ऐसा फालतू इतना आसान आसान क्वेश्चन, हाँ ठीक है मुझे अभी समझ नहीं आ रहा, रुक मैं 2 बार और पढ़ूंगी ना तो मैं इसको कर लूंगी, ऐसे अपने आप को मोटिवेट क्या कर, जब एकदम ही समझ में ना आया करे तो बोल यार देखो अगर इस बार मैं पढ़ लिया ना मैं कसम बता रही हूँ इसका सोल्यूशन तो आना ही है और मैं करके रहूंगी, फिर तुम ऐसा करो ठीक है नहीं आ रहा ना तो तुम सॉल्यूशन देखो उसका, वीडियो लेक्चर देखो, डीपीपी का वीडियो लेक्चर देखो, जब डीपीपी का वीडियो लेक्चर देख के तुम एक बार उसको नोट डाउन कर लोगे, ठीक है, नोट डाउन करने के बाद तुम जो चीज सॉल्यूशन लिखी हो उसको एक बार आंख बंद करके मेंटली सॉल्व करोगे ना कि हाँ मैंने इस क्वेश्चन में ऐसे किया था फिर उससे ये वैल्यू निकाला था और फिर ये इधर आया था, जब तुम उसी चीज को मेंटली एक बार सॉल्व कर लेते हो ना तुम्हारा उस क्वेश्चन को और उस क्वेश्चन के पैटर्न को रिटेन करने की टेंडेंसी बहुत बढ़ जाती है, ठीक है। मैं सच बता रही हूँ, जिस दिन तुमने कॉपी में लिखा और तुरंत ही उसको ब्रेन में सॉल्व कर लिया, यार ये ऐसा क्वेश्चन था, अच्छा मैंने इसमें ऐसे किया था आ गया आंसर, ठीक है। अब उसको ना कभी भी तुम कोई भी काम करो, जैसे तुम वॉशरूम गए हो, मैं वॉशरूम बहुत आती थी, बहुत ही ज़्यादा जाती थी, पानी बहुत ज़्यादा पीती थी एक्चुअली, ताकि मुझे बीच बीच में नींद ज़्यादा गहरी वाली नींद ना आए। अगर तुम कॉन्स्टेंटली अपने आप को हाइड्रेटेड रखोगे ना तो तुम्हारा फोकस बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, और तुम्हें एकदम गहरी वाली जो पढ़ते पढ़ते वाली नींद है ना वो नहीं आएगी, क्योंकि तुम्हें हर आधे घंटे एक घंटे एंड 45 मिनट में लाइक मेरे को वॉशरूम जाना होता था, लाइक हाँ ठीक है ऐसे घूमने ही वॉशरूम में चली जाती थी, तो जाती थी तो ऐसे खाली सोचती रहती थी जाते समय कि यार बोलो क्वेश्चन कैसे किया था तनीषा अभी जो तेरा गलत हो गया था, फिर मैं आग बंद करती थी फिर उसको रिकॉल करती थी, कितने बच्चे बोलते हैं मैं क्वेश्चन करता हूँ फिर मैं भूल जाता हूँ, ये वाले टेक्निक से तुम नहीं भूलोगे, ऐसा नहीं है कि कभी नहीं भूलोगे, अरे बहुत वास्ट सिलेबस है तो मतलब तुमको कॉन्स्टेंटली रिकॉल करना पड़ेगा, जैसे सुबह मॉर्निंग में उठे हाँ ठीक है ब्रश कर रहे हैं, ब्रश करते करते यार कल वो वाला क्वेश्चन जो नहीं आ रहा था मेरे कैसे सॉल्व हुआ था याद है क्या तुमको, ऐसे अपने आप से हमेशा पूछा करो, तुमसे कोई बाहरी तो आएगा नहीं पूछने। अब कितने बच्चे बोलते हैं दीदी प्लीज मुझे पर्सनल गाइडेंस दे दो, बच्चा मैं सबको इतना प्यार करती हूँ, तुम लोग मेरे 15K सब्स हो गए हो, 15K फैमिली, मैं सबको उतना ही प्यार करती हूँ और इतना हाई क्वालिटी कंटेंट देती हूँ अपने हिसाब से अपनी कसम, अब मैं दूसरों से कंपेयर करना छोड़ दिया है मैंने कि मेरा सबसे कंटेंट सबसे अलग है, देखो है लेकिन आज के बाद मैं वीडियोस में नहीं बोलूँगी, क्योंकि फिर होता है ना कि मैं अपने आप को क्यों दूसरों से कंपेयर कर रही हूँ, यस आई एम बेस्ट एंड आई नो दैट, तो मतलब देखो अब मैं नहीं कंपेयर करूंगी, मेरी क्वालिटी कंटेंट बहुत, अगर मेरा छोटा भाई भी बोलेगा कि मुझे डॉक्टर बनना है तो मैं कहूँगी मेरी प्लेलिस्ट फॉलो करो, तो मेरे में मतलब भेदभाव टाइप्स नहीं है कि अगर किसी को पर्सनल गाइडेंस दे दोगे तो उसको कुछ ज़्यादा मिल जाएगा मेरे से और तुम लोगों को कुछ कम दे रही हूँ, मैं सबको एक समान दे रही हूँ, अगर मैं किसी बच्चे को कोई भी चीज़ बताती हूँ ना तो मेरे को लगता है नहीं यार यूट्यूब पे ये चीज़ बोलना है मुझे, क्योंकि मेरे लिए सारे लोग एक समान हो, सब मुझे इतना प्यार करते हैं और इतना प्यार पाने के लिए इतना इनपुट भी देना पड़ता है, इतना प्यार का आउटपुट पाने के लिए, तो मैं अपना बेस्ट करती हूँ, और मेरा भाई भी बोलेगा मुझे नीट क्लियर करना है तो मैं बोलूँगी तुम यही
सीरीज फॉलो करो और देखो जब जागो तब सवेरा। अभी तुम लोग को मिल गया ये सीरीज, तुम लोग बहुत लकी हो। कितने बच्चों को 2 महीने बाद मिलेगा, कितने बच्चों को 6 महीने बाद मिलेगा, तो ऐसी बात नहीं है कि तुम पैनिक करोगे यार देखो कितना पहले सीरीज चालू हुआ था। ये हर साल के लिए और हर साल के बच्चों के लिए है। तो रिकॉल वाली टेक्निक पूरे नीट एस्पिरेंट को पता होता है, जो जो नीट क्लियर कर रहे होते हैं, और टॉपर्स की तो स्पेशलिटी होती है। लेकिन आज तक मैंने किसी भी टॉपर को इस स्पेशलिटी के बारे में बात करते हुए नहीं देखा। और तुम्हें पता है ये चीज़ मैंने सीखा लास्ट के 2 महीने में। तुम सोचो अब एटलीस्ट 2 महीने से तो ज़्यादा ही तुम्हारे एग्जाम को बचे। मैंने तुम्हें अभी ये क्वालिटी दे दिया, रिकॉल कराने की टेक्निक सिखा दी। तुम सोचो तुम फोड़ क्या हो गए नीट। 2 महीने में मैंने कितना अच्छा परफॉर्मेंस कर लिया, 614 नंबर आ गए मेरे। तुम्हें तो एक साल पहले मैं सब कुछ ला के दे दे रही हूँ, तुम्हारे कितने आएंगे तुम सोचो। सोचो तुम, बहुत अच्छा चीज सिखा रही हूँ। ऐसे ही ना ट्राई टू रिकॉल एवरीथिंग। ब्रश कर रहे हो, नहा रहे हो, यार ये वाला क्वेश्चन, यार बायो में वो बताना, तो वो फैमिली वाला वेरिएशन बताना तो जरा, अरे यार उसका प्लेसेंटेशन क्या था, यार एसिमेट्रिक का एग्जाम्पल बताना। तो ऐसे अपने आप से पूछा करो हमेशा कि यार वो प्लास्मिड पीबीआर 322 में यार कौन से रेस्ट्रिक्शन साइट्स थे। हमेशा रिकॉल। और केमिस्ट्री में आ जाओ, यार वो रिड्यूसिंग एजेंट का नाम, यार वो रोजनमंड में कौन सा रिएजेंट यूज होता था, अच्छा यार वो बेंजीन से कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाते थे, वो रिएजेंट का डायरेक्ट नाम बता दो। अच्छा गटरमैन कोच रिएक्शन क्या होता है, अच्छा काइनेटिक्स के फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन का, अरे काइनेटिक्स के फर्स्ट ऑर्डर का एग्जाम्पल याद है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल क्या था, पी ब्लॉक में ये कैसे होता था, अच्छा पी ब्लॉक में उसके अमोनिया के प्रिपरेशन का रिएक्शन क्या था। हमेशा ट्राई टू रिकॉल थिंग्स, जितना बेहतरीन रिकॉल करोगे उतना ज्यादा रिटेंशन पावर बढ़ेगा। बच्चा बहुत ही अच्छा कंटेंट दे रही हूँ अपनी कसम, फॉलो कर लो दिल से और जी जान लगा के पढ़ाई कर लो, हो जाएगा सिलेक्शन। ना हो तो मेरे गाली दे जाना, पर शर्त रखती हूँ अगर तुमने पढ़ाई की अच्छे से तो तुम्हारा हो जाएगा। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप तुम्हें ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। मुझे पता है मैंने बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, और मैं कभी कभी अपना वीडियो देख के कहती हूँ हाय तनीषा तुझे नजर ना लगे, तू इतनी समझदार है, कितना अच्छा यूट्यूब वीडियो बनाती। मैं रोज अपनी तारीफ करती और सच में मैं बहुत अच्छा वीडियो बनाती हूँ। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।